हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं अभी जा रहा हूँ हालोंग बे और मैं एक बड़ा ग्रुप के साथ जा रहा हूँ और इस ट्रिप के लिए मेरा पड़ा है $45 पर एडल्ट। और जो इस ट्रिप में ये ट्रिप है प्रीमियम ट्रिप, इसीलिए $45 लगा है। इससे कम में भी आप लोग जा सकते हो, $30 में भी है, $35 में भी है। उसमें छोटा बोट होता है और ये जो प्रीमियम है इसमें बड़ा बोट होता है, और इसीलिए मैं यहाँ पे इस टूर में जा रहा हूँ। और पहला स्टॉप आप लोग देखा है पर्ल म्यूज़ियम। अभी मैं पर्ल म्यूज़ियम के अंदर हूँ और ये जो पर्ल म्यूज़ियम है यहाँ पे पर्ल कैसे करके बनाते हैं वही दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसे करके बना रहा है वही दिखा रहा है, डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा रहा है। और ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स है वो आप लोग ख़रीद सकते हो। और उसके साथ ये एक कैफ़े है, अगर चाहे तो आप लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं जो हालोंग बे का जो मेन फेरी घाट वही पे हम लोग जा रहे हैं और पहुँच चुके हैं अभी फेरी घाट के अंदर 10-15 मिनट हम लोग को वेट करना पड़ा था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ दुकान है खाने का, यहाँ पे खाना अगर भूख लगे तो खा भी सकते हो, और कुछ सामान का दुकान है। और यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे जो टिकट काउंटर में कोई अगर ऐसे ही आ जाते हैं तो टिकट काउंटर से भी टिकट खरीद के अंदर जा सकते हैं। आप लोग को देखा टिकट का प्राइस क्या है। और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये मेरा टिकट देखिए, टिकट का प्राइस है 3,10,000 डोंग। और यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे आप लोग कोई भी वाटर बॉटल या फिर कोई भी प्लास्टिक का सामान लेके अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बैंड है, इसीलिए अगर आप लोग लेके जा रहे हो तो उधर ही आप लोग को रुकवा लेगा। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे बोट के अंदर, और बोट के अंदर पहुँचते ही हम लोगों को टेबल में ये सब खाना देखने को मिला। और ये है जो यहाँ पे ड्रिंक्स का प्राइस है वो ही दिखाया, और ये देखो ये सब खाना, और भी सारे बहुत सारे खाने दिया था लेकिन मैंने खाते वक्त भूल गया था वीडियो करने के लिए। और मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर डेक के ऊपर आप लोग जाके फ़ोटो ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो, और ये जो ब्यूटी है ब्यूटी का मज़ा भी ले सकते हो। देखो कितने सारे माउंटेंस है यहाँ पे, बहुत सारे माउंटेंस है, लगभग 2000 ऐसे माउंटेंस है। लाइमस्टोन का माउंटेन है, ये लोग बोलते हैं कि ये सब लाइमस्टोन का माउंटेन है। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, और नीचे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा नीचे जो पूरी जो डेक है कैसे दिखता है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे टेबल है और एक टेबल के साथ 6 पीपल बैठने के लिए जगह है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले लंच करते हैं, उसके बाद फिर ट्रैवल करते करते लंच करते हैं और यहीं पे बैठते हो, तो इसीलिए ऐसा है। लोग देखो अंदर ऐसा ही है, और यहाँ पे एक वाइन काउंटर भी है, और लो हम लोग पहुँचने वाले हैं। पहला स्टॉप में हम लोग पहुँचने वाले हैं।
अभी पहुंचने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोगों को सबको बोला गया है कि आप लोग नीचे चलो। जब कोई जगह हम लोग पहुंचने वाले हैं तब ऊपर रुकने नहीं देता है, सबको नीचे उतर देता है, तो इसीलिए हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। नीचे जाके देखेंगे ये जो जगह है, ये जगह कौन सी जगह पहला स्टॉप है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखते रहो वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। और अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड कुछ दिख रहा है ना, मैं आप लोगों को ठीक से दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में अभी देखो, लेफ्ट साइड में एक कुछ है, ये एक टेम्पल है, और इसके टेम्पल के अंदर एक मूर्ति है। मुझे पता नहीं है ये कौन सी भगवान का मूर्ति है, लेकिन ये एक टेम्पल है। और गाइड ने भी हम लोगों को नहीं बोला कि ये कौन सी भगवान का टेम्पल है। तो पहुंच चुके हैं, अभी जा रहे हैं ये आइलैंड के अंदर। और इस आइलैंड में क्या है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो। तो ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड है सरप्राइजिंग केव। और अभी हम लोग केव के अंदर जाएंगे। देखो बहुत ही भीड़ है, ऊपर जाना होगा, ऊपर जाके उसके बाद केव के अंदर पहुंचेंगे। अभी तो पहुंच चुका हूं ऊपर, और ऊपर से ये जगह का नज़ारा देखो कितने सुंदर लग रहा है यहाँ पे ऊपर से देखो। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। अंदर देखिए, अंदर एक पहले तो एक छोटा सा केव है, उसके बाद थोड़ा बड़ा केव है, और उसके बाद ही बहुत ही बड़ा एक केव है। तभी जो छोटा केव से जब आप लोग बड़ा केव में जाओगे, उधर इतना छोटा पैसेज है, वो क्रॉस करते आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, और भीड़ जब होता है तब तो बहुत ही टाइम लगता है। अभी पहुंच चुके हैं अंदर, और ये जो केव है, ये केव पूरा घूमने में आप लोग घूमोगे तो आप लोग लगभग 1.8 किलोमीटर पैदल चलोगे, क्योंकि यहाँ पे जो जगह है, ये बोला कि गाइड ने हम लोगों को बोला कि ये पूरा अगर जगह घूमते हो तो फिर 1.8 किलोमीटर आप लोग पैदल चलोगे। और अभी हम लोग केव के एक तरफ से अंदर आया था, और दूसरे तरफ से बाहर जा रहे हैं, एकदम जाके बोट में चलेंगे। पहुंच चुका है, और कहाँ है हमारा बोट, ये बोट थोड़ा आगे चला गया था। अभी बोट को हम लोगों को देखकर बोट आगे आ रहा है। अभी शायद सिर्फ मैं ही सबसे लेट था यहाँ पे आते आते, अभी जाने से ही पता चलेगा सिर्फ मैं ही और दूसरा को। हाँ लगभग सबको ही आ गया था। तभी फिर हम लोग बोट में चढ़ के दूसरा एक जगह आया, जहाँ पे हम लोग करेंगे कायाकिंग। और ये कायाकिंग के लिए एक्स्ट्रा $5 इंक्लूडेड रहता है पैकेज में। और अगर आप लोग $30 का पैकेज लेते हो या फिर $40 का पैकेज लेते हो, तो उसमें ये इंक्लूड नहीं रहता है, तब यहाँ पे आके आप लोगों को फिर से $5 देना पड़ेगा, देकर ही आप लोग ये कायाकिंग कर सकते हो। और अगर नहीं देते हो तो फिर नहीं करोगे, अगर नहीं करना है तो $5 क्यों आप लोग खर्चे करोगे। यहाँ पे दो तरह का बोट है, एक है कायाकिंग और दूसरा है बड़ा बोट। जो लोग कायाकिंग करना नहीं चाहते हैं, वो लोग बड़ा बोट में एक साथ 15-20 जन घूम सकते हैं। और अगर आप लोग अकेले भी हो, कोई ना कोई होगा जो आपके साथ ये कायाकिंग करेगा, अकेले भी आप लोग कर सकते हो। अकेले करने से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देकर आप लोगों को करना पड़ेगा, तो हो गया, कर लिया वो। उसके बाद फिर से आ गया है बोट में, और अभी बोट में दूसरा जो फाइनल जो आइलैंड है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और ये पहुंच चुके हैं फाइनल आइलैंड। और ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है टी टॉप आइलैंड। और टी टॉप आइलैंड इसलिए फेमस है, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब का वीडियो और फोटो देखे है, ऊपर से हालोंग बे का व्यू का जो फोटो है वो दिखता है,
और वही है ये जगह। यहाँ से आप लोगों को लगभग 500 सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा और ऊपर जाके आप लोग ये जो टॉप व्यू का मज़ा ले सकते हो। मैं ऊपर अभी नहीं जा रहा हूँ, बहुत खाना खा लिया था बोट में, अभी ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। लास्ट टाइम जब आया था तब तो ऊपर गया था और ऊपर जाके ऊपर से देखा भी था, लेकिन इस बार मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, ये मूर्ति जिसका है उन्हीं का नाम है टीटॉप, और यही आदमी है जो रशियन है, और रशियन होकर एक्सप्लोर करते करते ये हालोंग बे का ये आइलैंड एक्सप्लोर करके ये डिस्कवर किया था, इसीलिए इस आइलैंड का नाम है टीटॉप आइलैंड। और ये टीटॉप आइलैंड में एक छोटा सा एक बीच है, ये बीच में आप लोग नहा भी सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मत नहाओ, क्योंकि यहाँ पे जो बीच का जो पानी है, पानी बहुत ही गंदा है। गंदा है इसलिए है, जितने सारे बोट आ रहे हैं, ये बोट का जो फ्यूल है, फ्यूल उधर लीक हो रहा है, इसीलिए पानी में तैर रहा है फ्यूल, इसलिए मैं बोलूँगा मत नहाओ। और अभी फिर से हम लोग वापस जा रहे हैं हालोंग बे का जो फेरी घाट है, फेरी घाट के तरफ, और ये वापस जाते जाते हम लोगों को ऊपर डेक में बुलाया, और डेक में हो रहा है पार्टी, और इस पार्टी में सबको मिल रहा है क्या क्या, आप लोग देखो यहाँ पे बहुत सारे खाने हैं। तो जब भी बुलाएगा जल्दी जल्दी ऊपर चला जाना, नहीं तो आप लोगों को खाना नहीं मिलेगा। मैं तो थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैं खाना लेते लेते सभी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे आप लोगों को वाइन भी मिलेगी और टी भी मिलेगी, ये जो बिस्किट है, बिस्किट बहुत ही टेस्टी है। और आप देखो पार्टी होते चलते चलते हम लोग जा रहे हैं हालोंग बे के तरफ, हालोंग बे का जो फेरी घाट उसके तरफ। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए टाटा, स्टे सेफ़।